जालौन में अवैध खनन के और परिवहन को लेकर विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई। जालौन में अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग तथा बिना जरूरी प्रपत्रों के यात्री परिवहन कर रहे वाहनों पर प्रवर्तन अधिकारी विनय पांडे ने कार्यवाही की। जालौन कोतवाली क्षेत्र में देवनगर चौराहे पर तथा बमघरा मार्ग पर पुलिस कार्यवाही में पकड़े गए करीब आधा दर्जन वाहन, सभी वाहनों पर विधिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया गया है। हरिओम बुधोलिया, जालौन, समाचार 24। चेकिंग अभियान चलाया गया है, कुल कितने वाहनों पर कार्रवाई है और क्या दिशा निर्देश? कल से अनधिकृत रूप से चलने वाले यात्री वाहनों के खिलाफ अभियान चल रहा है। परिवहन आयुक्त महोदय के आदेश पे अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से यह है कि किसी प्रकार की ओवरलोडिंग न हो, वाहन में किसी प्रकार के प्रपत्र अपूर्ण न हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ड्राइवर स्वस्थ मनोदशा में गाड़ी चला रहा हो, गाड़ी की कंडीशन ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के अकॉर्डिंग, जैसे इमरजेंसी गेट लगा हो और वो प्रॉपरली खुल रहा हो। अभी मैंने एक बस बंद किया है जो सामने जालौन थाने में है जी। उसमें इमरजेंसी गेट साइड में नहीं लगा हुआ है, पीछे की तरफ एक गेट लगा हुआ है जो कि पूर्ण रूप से खुल नहीं रहा, उसमें बोल्ट लगा जी। तो ऐसे में सुरक्षा का भी ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा को अभी तक कुल कितने वाहनों पर कार्रवाई हुई है? कुछ वाहनों पर कार्रवाई हुई है, एक बंद हुआ है, 5 चला। जुर्माने की राशि का क्या? जुर्माने की राशि का आकलन ऑफिस में होता है। हम लोग तो फौरी तौर पर जुर्माना लगाते हैं जो प्रपत्र नहीं दिखाते हैं या जो कमियां होती हैं, लेकिन ऑफिस में गणना होती है। मथुरा के गो